हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशाज कुक बुक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन ब्रेकफास्ट की एक बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी, जो कि सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। आइए तो देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 बॉयल पोटैटोज़ लिए हैं। इन्हें एक बाउल में काट के रख लें क्यूब्स की शेप में, और उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर लें। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करें। 1 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड करें और 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करें। अब इन सारे स्पाइसेस को इन बॉयल आलू में अच्छे से मिक्स कर लें। आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। बस आइए तो अब हम इन आलू को फ्राई करते हैं। इसके लिए एक पैन मीडियम फ्लेम पर रख लें। उसमें 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छे से कलर चेंज होने तक गरम कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमें इन आलुओं को मस्टर्ड ऑयल में ही कुक करना है। ऑयल जैसे ही बहुत अच्छे से हीट हो जाए, उसे फिर थोड़ा सा ठंडा करके उसमें 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून गेहूं का आटा ऐड कर लेंगे। गेहूं का आटा जो कि हम अपने घर में चपाती बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बस अब इसे स्लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से धीरे धीरे रोस्ट करना है 1 से 1.5 मिनट तक के लिए, या तो आटे के कलर चेंज होने तक हमें इसे रोस्ट करना है। जैसे ही आटे का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हमने अपने आलू जिसमें हमने मसाला लगा के रखा था वो इसमें पलट देंगे, और इसे बहुत अच्छी तरह चलाते हुए कुक कर लेंगे। भूनते भूनते सारा मसाला आलुओं में अच्छी तरह लग जाए, और इस स्पैचुला की हेल्प से आप आलू को मैश करते जाएं। अगर आपको आलू ज़्यादा ही सॉफ्ट पसंद है तो आप इसमें 2 से 3 टीस्पून पानी भी ऐड कर सकती हैं, और पानी के सोख होने तक आप आलू को भून लीजिए। बस बिल्कुल 2 से 3 मिनट में ये आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। अब लास्ट में इसमें लेमन जूस ऐड कर लेंगे और इसे एक बार फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस 2 से 3 मिनट में हमारी ये आलू की सूखी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। लीजिए, हमारे आटे वाले आलू सर्व करने के लिए तैयार हैं। तो आइए इसके साथ सर्व करने के लिए पूड़ी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, जिसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करें। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करें। 1/3 टीस्पून कैरम सीड्स यानी अजवाइन, उसे भी ऐड कर लें। हाथ में मसल कर ऐड करने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी ऐड कर लें, इससे पूरी का फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लें। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह आटे में मिक्स कर लेंगे और पानी की हेल्प से एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इस आटे वाले आलू के साथ प्लेन चपाती या पराठा भी सर्व कर सकती हैं, पर पूरी और आलू की सब्ज़ी सबकी फेवरेट होती है, इसीलिए मैंने इस आटे वाले आलू के साथ पूरी सर्व की है। आइए अब इस डो में से एक स्मॉल पोर्शन लेके हम पूरी बेल लेंगे। ऑयल का 1 ड्रॉप डो के ऊपर अप्लाई करके हम सारी पूरियाँ इसी तरह से बेल लेंगे। सूखा आटा डस्ट न करें, क्योंकि तलते समय वो सारा आटा घी में नीचे कलेक्ट हो जाता है, जिससे कि हमारा घी ख़राब हो जाता है। सारी पूरी बेलने के बाद आइए हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। पूरी फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में कुकिंग ऑयल मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया था। बस अब सारी पूरियाँ इसमें से तल के निकाल लेंगे। कलर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग पूरी का कर सकती हैं।
अगर आपके पास आलू पहले से ही बॉयल पड़े हुए हैं तो आपको ये रेसिपी बनाने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और आपके आटे वाले आलू साथ में कसूरी मेथी की पूरी बनकर तैयार हो जाएगी। वैसे तो आलू बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से लोग बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है और ये उन न्यू कुक के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिन्होंने ड्यूरिंग लॉकडाउन कुकिंग सीखी है या जो अभी कुकिंग सीख रहे हैं। आटे वाले आलू को सर्व करने से पहले आप इसके ऊपर बहुत सारा फ्रेश हरा धनिया डालकर सर्व करें। मेरे पास इस समय अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला है, लेकिन आप ज़रूर डालें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ लाइक द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई कर रही हैं तो रेसिपीज से रिलेटेड फीडबैक आप कॉमेंट्स के थ्रू मेरे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी क्विक ईजी और इनोवेटिव रेसिपीज़ ला सकूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।